इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना दौर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के गैर मुल्की मेंबरों को राहत दे दी है। कोर्ट का मानना है कि सरकार ने जमातियों को बलि का बकरा बनाया। न्यूज़ चैनलों और प्रिंट मीडिया ने प्रोपोगंडा चलाकर उन्हें बदनाम किया और कोरोना फैलने का जिम्मेदार बताया। उस पर तौबा करने और खसारे के लिए पॉजिटिव कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि यह सलाह कौन मानेगा, यानी कि कोर्ट की सलाह आखिर कौन मानेगा? क्या वे लोग बॉम्बे हाईकोर्ट की सलाह मान सकते हैं जिन्होंने कोरोना बम, कोरोना जिहाद जैसे प्रोग्राम चलाकर माशरे में जहर घोला? मीडिया के उन जहनी दहशतगर्दों के जरिए फैलाया गया जहर के असरात सामने आए। इसकी शुरुआत दिल्ली के बवाना के शहरी महबूब अली से हुई, जो जमात से लौटे थे और उसी के गांव वालों ने कोरोना फैलाने के इल्ज़ाम में पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के चिटहरा गांव में मीडिया के जरिए तैयार किए गए नाम निहाद राष्ट्र रक्षा यानी कि मुल्क के मुहाफिजों ने मुस्लिम समुदाय के एक युवक के घर में घुसकर इसलिए तोड़फोड़ की क्योंकि उन्हें शक था कि इस परिवार ने तबलीगी जमात से आए लोगों को अपने घर में पना दी थी। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती एक जमाती ने कोरोना फैलाने के तानों से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे दूसरे साथियों ने देख लिया और उसे किसी तरह बचा लिया गया। महाराष्ट्र के एक अस्पताल में भर्ती असम के जमाती ने कोरोना पॉजिटिव आने पर अपनी नसें काटकर जान दे दी। ये वे वारदातें हैं जो दर्ज की गई है। इनके अलावा और भी इसी तरह की कई वारदातें हुई है जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया जा रहा। सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, फेरी वाले मुस्लिम मजदूरों को जिस तरह से नफरत और तशद्दुद का सामना करना पड़ा, उसके मुजरिम भी अदालत को तय करने चाहिए। वे गुनहगार कोई और नहीं, भारतीय मीडिया के वही जहनी दहशतगर्द है जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी यानी कि आलमी वबा को एक मजहब, मखसूस मजहब के लोगों से जोड़कर माशरे में जाहिर फैलाया है। इसके अलावा जमातियों को गोली मारने, उनका बहिष्कार करने, उन्हें आतंकी बताने वाले इख्तदार पजीर पार्टी, सियासी पार्टी के नेताओं यानी कि कायदों पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हद तो तब हो गई जब तबलीगी जमात की मीडिया कवरेज पर सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि मीडिया को तबलीगी जमात के मुद्दे पर रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से बहुत सारे लोग खुश हैं क्योंकि कोर्ट ने सरकार और मीडिया की मंशा को अपने अल्फाजों में बयान कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जमात के नाम पर मीडिया के जरिए जो जहर फैलाया गया उसकी सजा कौन मुकर्रर करेगा? कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चांसलर की सजा तय करेगा जहां से अफवाहें, नफरत, प्रोपेगंडा समाज में फैलाया गया ताकि एक बीमारी के बहाने पूरे एक समाज को देशद्रोही बताकर पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई। कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन में होने वाली सरकार की नाकामियों पर तबलीगी जमात का पर्दा डाला जा सके। भारतीय मीडिया के जहनी दहशतगर्दों ने जमातियों के नाम पर क्या क्या नहीं चलाया। थूकने तक को सनसनीखेज बताकर शाया किया गया, खाना मांगने को बिरयानी मांगना कहकर सनसनीखेज बनाया गया। हद तो तब हुई जब नर्सों से छेड़छाड़ करने के मनगढ़ंत इल्जाम जमातियों पर लगा दिए गए। यह सब होता रहा, पूरा माशरा सोता रहा या फिर अखबार और टीवी देखकर जमातियों को आतंकवादी बताते हुए उन्हें गोली मारने जैसे हुक्म घर, गली, मोहल्ले में देता रहा। यह सब मीडिया के जहनी दहशतगर्दों की बदौलत हुआ। दुकानदारों ने कई जगह पर मुसलमानों को सामान बेचने से इनकार कर दिया। एक अस्पताल ने तो बाकायदा अखबार में इश्तेहार छपवा कर जमातियों का इलाज करने से मना कर दिया। कानपुर की डॉक्टर लाल चंदानी ने जमातियों को AK-47 से भूनने की ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर यह सब लोगों के दिमाग में किसने भरा? इसके तीन गुनहगार हैं, इख्तदार पजीर कायद, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चांसलर और भारतीय मीडिया के जहनी दहशतगर्द जिन्होंने कोरोना जिहाद कहा। इन्हीं तीनों ने मिलकर समाज में जहर बोया जिसका असर बहुत लोगों को भुगतना पड़ा। अब देखना यह है कि इनमें से कितने लोग पश्चाताप करते हैं। बाकी मैंने पहले भी कहा था कि अब फिर दोहरा रहा हूं, कोरोना ने दुनिया भर में लोगों के फेफड़ों पर हमला किया लेकिन भारत में दिमागों पर हमला किया।
इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।